हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस, प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने रहे। तो बात कर दो यहाँ पे क्रिकेट का महाकुंभ, इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। तो रिसेंटली अगर बात करेंगे तो लगभग 10 मैच भी हो चुके हैं, जो कि 10 मैच में से सभी मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी टक्कर के हुए हैं। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 14 मैच की, जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। इन दोनों की जब जब भिड़ंत होती है तो मैदान में तहलका मच जाती है। यह मैच आपको 1 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि मुंबई का घर में यह पहला मैच होगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन के अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनको वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मुंबई में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 66% रहेगा और टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं बात करें इनके विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 49% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 50% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 169 है, तो वहीं पे सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 158 है। वहीं अगर बात करें दोनों टीम का हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 28 मैच खेले गए, जिसमें से मुंबई इंडियंस 15 मैच जीत के आ रही है, वहीं पर राजस्थान रॉयल्स 12 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी मुंबई इंडियंस का स्क्वाड एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम के लिए इस बार भी वही हुआ जो टीम टूर्नामेंट में स्लो स्टार्ट करती है। टीम अपना पहला दोनों मैच हार कर आ रही, टीम ने इस बार हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया, टीम की बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है। लास्ट गेम में टीम ने अपना सबसे बड़ा टोटल बनाया, जहाँ पे ओपनिंग में ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा स्टार्ट दे रहे हैं, ईशान ने लास्ट गेम में 34 रन बनाए। तो वही नंबर 3 पर जहाँ पे नमन दिल को मौका मिला था, वही मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे तिलक वर्मा टीम डेबिट उतारे, टीम की असली ताकत वो दोनों प्लेयर है, जहाँ पे तिलक ने लास्ट मैच में 64 रन की धुआंधार इनिंग खेली थी। वही फिनिशिंग टच के लिए कैप्टन हार्दिक पांड्या और उमारियो सैफरेट जो कि शामिल है, जहाँ पे बॉलिंग टीम अब तक सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस करी, आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ा टोटल बनवा दिया, टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन टीम के पास थे। बॉलिंग टीम आज जहाँ पे जसप्रीत बुमराह लीड करेंगे, उन्होंने लास्ट गेम में सबसे कम रन दिए थे, जहाँ पे साउथ अफ्रीकी पेसर जियाल कोजिन ने भी 1 विकेट लिए थे। वहीं पे लुकआउट के जगह आए थे केवन माफोका, जो सबसे ज्यादा 66 रन पिटवा दिए, वहीं गेम में इम्पैक्ट भी छोड़ गए थे। स्पिन बॉलिंग में एक्सपीरियंस जहाँ पे पीयूष चावला है। अब बात करते हैं मुंबई इंडियन का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पर रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, नमन धीरे, टीम डेविड, रोमारियो सैफरेट, हार्दिक पांड्या, पीयूष चावला, जयाल कोहली, जसप्रीत बुमराह, लुकआउट। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात करें, जो कि रोहित शर्मा है, तिलक वर्मा है, जसप्रीत बुमराह है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड एनालिसिस करते हैं, जहाँ रॉयल्स की टीम ने टूर्नामेंट का स्टार्ट लगातार जिससे किया, टीम अपने दोनों मैच जीत के आ रही है। टीम ने पहले गेम में जहाँ पे लखनऊ को हराया, तो वहीं दूसरे गेम में जहाँ पे दिल्ली को हरा कर आ रही है। टीम के कप्तान की बात करें जो कि संजू सैमसन कर रहे हैं, वहीं ओपनिंग में आपको ये शशि जायसवाल हैं, जॉस बटलर जो कि अब तक फ्लॉप चल रहे हैं, जहाँ पे नंबर 3 कप्तान संजू सैमसन जो कि अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं, नंबर 4 पर जहाँ पे रियान पर्याव हल्का मचा कर रख दिए, दोनों मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किए, उन्होंने 2 इनिंग में 43 और 84 रन बनाए थे। वहीं लोअर ऑर्डर में जहाँ पे सिमरन हेटमायर, ध्रुव जोरल जो टीम के लिए कंसिस्टेंट होकर रन भी बना रहे हैं, यहाँ पे बॉलिंग में टीम टारगेट सेव किया था, बॉलिंग में जहाँ पे पेसर ट्रेंट बोल्ट, अफ्रीकी पेसर नाडे बर्गर जो 2 विकेट लिए थे, यहाँ पे अवेश खान लाइन लेंथ से बॉलिंग भी डाल रहे हैं, डेथ ओवर में उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए मैच को जिता दिया, जहाँ पे स्पिन बॉलिंग में अश्विन विकेट ले सकते हैं, जहाँ पे युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे यशस्वी जायसवाल है, जॉस बटलर है, संजू सैमसन, रियान पर्याग, ध्रुव जुरल, सिमरन हेटमायर, रविचंद अश्विन, युजवेंद्र चहल, अवेश खान, नाडे बर्गर और ट्रेंट बोल्ट। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात करें, जो कि संजू सैमसन, रियान पर्याग और ट्रेंट बोल्ट है। फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टॉस विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का टॉस विनर यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स होगा। वहीं अगर मैच विनर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर यहाँ पे मुंबई इंडियंस होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस लगातार 2 मैच का हार के आ रही है, तो यहाँ पर कोशिश करेगी यह मैच जीतने के लिए। यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को हार मिल सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारे वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।